हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले कुछ लेक्चर में तुम सीखे कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और ये भी अब एक सेंस है तुमको कि क्यों डिफरेंशिएट करना होता है, कब डिफरेंशिएट करना होता है। बिकॉज नाउ यू नो कि कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। और डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या मतलब है? हम लोगों को बहुत बार चेंज किस रेट से हो रहा है वो मेजर करना होता है। सो फॉर दैट पर्पज यू डिफरेंशिएट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। अगर तुम रिकॉल करो तो हम लोगों का डिस्कशन शुरू हुआ था कैलकुलस का इस क्वेश्चन से। एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है और डिफरेंट टाइम पे उसका पोजीशन गिवन है। सो विथ टाइम पोजीशन ऑफ दिस ट्रेन इज चेंजिंग, और मैथमेटिकली तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एक्स टी इक्वल टू 4t². क्वेश्चन ये था कि इस पोजीशन से, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम से, हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर था क्या क्या कैलकुलेट कर रह पा रहे थे हम लोग? हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं किसी टाइम टी पे, पोजीशन से तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे टाइम इंटरवल में, डिस्टेंस से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। बट हम लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ मच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी टाइम। सो इन ऑर्डर टू फाइंड वेलोसिटी हम लोगों को क्या करना पड़ा? हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ा था इस एक्स को, और dx/dt इज इक्वल टू 8t। और ये dx/dt मैथमेटिकली तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब सपोज इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बदल दें, फिर से क्वेश्चन क्या था? पोजीशन पता था, वेलोसिटी तुम ये अब सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशिएट करके या डिफरेंशियल कैलकुलस का हेल्प लेके। इस क्वेश्चन को उलट देते हैं, मतलब सपोज हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी कितना है इस ट्रेन का किसी टाइम पे, या वी नो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। हम लोगों को ये फंक्शन पता है। सो तुम हर एक टाइम पे वेलोसिटी जानते हो। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच विल बी पोजीशन? अभी पोजीशन से वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब क्वेश्चन को उलट दिए, वेलोसिटी पता है और क्या बताना है? पोजीशन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक नया कॉन्सेप्ट जानना होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये डेरिवेटिव एंटी का मतलब उल्टा होता है ना, वो भी एक मीनिंग है। सो पोजीशन से वेलोसिटी निकाल रहे थे तो वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था। अब वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो वो क्या कॉन्सेप्ट होगा? एंटी डेरिवेटिव। सो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट एंटी डेरिवेटिव। मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड अ फंक्शन कैपिटल एफ हूज डेरिवेटिव इज एफ एक्स इक्वल टू 3x². एक ऐसा फंक्शन बताना है कैपिटल एफ जिसका डेरिवेटिव 3x² है। तो जितना तुम डिफरेंशियल कैलकुलस जानते हो उससे तुम ऐसा कह सकते हो कि वो फंक्शन होगा x³, क्योंकि एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? d/dx ऑफ एक्स क्यूब क्लियरली इज 3x². तो व्हाट वी से इज द फंक्शन कैपिटल एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। फंक्शन कैपिटल एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसमें इस टर्म पे ध्यान देना चाहिए, एन एंटी डेरिवेटिव। एक मतलब
क्या और भी एंटी डेरिवेटिव हो सकता है? तो आंसर है यस। जैसे एक तुम लिखे F1 कर देते हैं इस X³। कोई ये भी तो कह सकता था कि F2X इज X³+3। अब ये बताओ X³+3 को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा? 3X²। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? F3X इज इक्वल टू X³+100। इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा? सेम। तो अगर ये क्वेश्चन है कौन सा फंक्शन f जिसका डेरिवेटिव 3x² है, तो कितना वैसा तुम फंक्शन निकाल सकते हो? एक या बहुत सारा? बहुत सारा निकाल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर एक में अंतर किस चीज का होगा। xq तो सब में होगा, xq के साथ एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है, तो ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट टर्म है। और वो कांस्टेंट का कितना सारा वैल्यू संभव है? एक या बहुत सारा संभव है? बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फिर से यहाँ एन है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन हम लोग नहीं लिखेंगे, एक ही कोई लिख लेंगे। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला fx इक्वल टू 2x। तो कैपिटल एफ से अगर डिनोट करें तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा, तो x² हो जाएगा। लेकिन सही क्या लिखना होता है? X² प्लस सम कांस्टेंट। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। बी पे आओ, कैपिटल जी कर लेते हैं इसको। इक्वल टू डिफरेंशिएट, ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिलता है, तो वो साइन एक्स होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। प्लस सम कांस्टेंट सी, कैपिटल एच कर देते हैं। इक्वल टू 2x। तो 2x किसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा? x² को। और cos x किसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा? sin x को। प्लस c। तुम इजीली वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को। ऐसा करो, इसको अब डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d dx ऑफ f क्या आएगा बताओ? 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट d dx ऑफ g क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट का तो 0 होगा। और सी डी डी एक्स ऑफ एच कितना हो जाएगा? x² का डेरिवेटिव 2x और साइन का कॉस एक्स। तो यू गेट टू दैट। सो ये जो कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव, इज एंटी डेरिवेटिव। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल एंटी डेरिवेटिव, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन, या ज्यादा पॉपुलर नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें तुम एंटी डेरिवेटिव निकालते हो वो क्या कहलाता है? एंटी डिफरेंशिएशन। लेकिन ज्यादा कॉमन नाम क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग भी ज्यादा यही नाम यूज करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन साइन होता है। दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रैंड। जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो इंटीग्रैंड है। इंटीग्रेट करने का मतलब जिसका तुम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ये डी के बाद एक्स है, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्स के क्वेश्चंस में, तो ठीक से समझ लो, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन, ये फंक्शन क्या कहलाया? इंटीग्रैंड। और ये एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो फंक्शन मिला इंटीग्रेट करके उसको क्या कहते हैं? एन
एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, और ये सी ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डिटेल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और दिस इज योर इंटीग्रेशन साइन, और इसको क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन रूल। तो इसमें ऐसा करते हैं, दो कॉलम बना लो, एक होगा डिफरेंशिएशन रूल या फॉर्मूला तुम जो जानते हो, और वहीं से हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इसलिए वो नाम है ना एंटी डेरिवेटिव। सो मेक टू कॉलम्स। पहले डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूला यहाँ नोट कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ सी कितना था, जीरो। के इंटू एफ एक्स, के कॉन्स्टेंट है याद करो, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, कॉन्स्टेंट आउटसाइड, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, देन सम एंड डिफरेंस रूल, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये कितने के बराबर आता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, देन पावर रूल, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितने के बराबर था, एन इन टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स, एक दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता था, एक्स स्क्वायर एक्स, डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये कितना है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सब कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल या फॉर्मूला है, तो दिस यू नो, तुम इसको यूज भी कर सकते हो, करना जानते हो रादर। तो अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला या रूल क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ भी यूज करेंगे। सो लेट अस नॉट डिस्कस इंटीग्रेशन रूल्स और फॉर्मूला। अगर जीरो को इंटीग्रेट करोगे ये कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लेंगे, ऐसे भी कैलकुलस मैथमेटिक्स ऑफ चेंज है, इंटीग्रेट कर रहे हो और सम या डिफरेंस ऑफ फंक्शन है तो हम लोग इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो दो इंटीग्रल हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। पावर रूल, जब डिफरेंशिएट करते हो तो पावर एक से कम होता है, और उस जो पावर था ओरिजिनली उससे तुम मल्टीप्लाई करते हो, तो एंटी डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए बताओ,
वहाँ पावर एक से कम कर रहे थे, तो इसमें पावर एक से बढ़ेगा। वहाँ गुना करते हो तो यहाँ डिवाइड करेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में, ये एन -1 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर एन -1 के बराबर है तो रिजल्ट कुछ और होगा। तो एक काम करके देखो, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछें कि एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव कितना है, खुद से चेक करो तो क्या आएगा। ये एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो आउटसाइड डेरिवेटिव किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, तो पावर रूल, तो एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय जो एन प्लस वन है यहाँ ऑलरेडी, क्या बचता है एक्स टू द पावर एन, क्या मतलब हुआ एक्स टू द पावर एन किसको डिफरेंशिएट करने से मिलता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन को, तो एक्स टू द पावर एन का एंटी डेरिवेटिव क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसको करेक्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो साथ में क्या लिखना चाहिए, प्लस कांस्टेंट, यहाँ एक कांस्टेंट भी होना चाहिए, डन। और लेकिन अगेन नोट ऑफ कॉशन, एन शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, -1। तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है एक्सेप्ट कौन सा केस, एन इक्वल टू -1। नेक्स्ट, अब खुद बताओ कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, -x प्लस कांस्टेंट, और साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे, लुक एट दिस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था, हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस कॉस एक्स आएगा। फिर सेक्स स्क्वायर एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा या इंटीग्रल क्या होगा, टैन एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट, ऐसे ही सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, ये कितने के बराबर होगा, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट, डन। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, जैसे इंटीग्रल एक्स डी एक्स, तो क्या लिखें, इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ एक्स का पावर क्या है, वन, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। और तुम हमेशा इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या करके, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी को, तो देख लो एक्स आता है नहीं, दैट इज इक्वल टू एक्स। मान लो ये केस हो, केवल डी एक्स लिखा हुआ है, ऐसा फिजिक्स में बहुत मिलेगा, इसका इंटीग्रल कितना है, क्या इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, एक्स टू पावर जीरो डी एक्स, एक्स टू पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, वन है या नहीं, सो एक्स टू पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू एक्स प्लस सी। अनलाइक मैथ्स, फिजिक्स में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर इंटीग्रल डीटी है तो क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बताओ टी है, तो ये इंटीग्रल कितना होगा, तो एक बार फिर से इसको पहले ऐसा लिखते हैं, वन इंटू डी टी, वन को यहाँ एक्स टू द पावर जीरो नहीं लिख के क्या लिखना बेटर है, टी टू द पावर जीरो डी टी, जैसे ये टी और ये टी सेम वेरिएबल हो गया। अब तुम
पावर रूल, 2 to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस कांस्टेंट। तो ऐसा हम लोगों को बार बार लिखना नहीं होगा सारा कुछ एक्सप्लेन करने। ये बताओ इंटीग्रल ऑफ डी यू कितना होगा, यू इंटीग्रल ऑफ डी वी कितने के बराबर होगा, वी के इंटीग्रल ऑफ डी एम कितने के बराबर होगा, एम के इंटीग्रल ऑफ डी एफ कितने के बराबर होगा एफ के, एंड ऐसे ही तुम बाकी के लिए लिख सकते हो। कोई भी वेरिएबल सपोज इंटीग्रल डी स्मॉल पी है तो इक्वल टू पी होगा, इंटीग्रल डी ई तो ये ई के बराबर होगा, समझ गए। लेकिन एक सब में क्या होना चाहिए, एक साथ में प्लस सी ऐसा लिख लो, प्लस सी प्लस कांस्टेंट डन। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स प्लस वन डी एक्स, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो क्या कर सकते हैं, सम और डिफरेंस रूल, मतलब ब्रैकेट हटा लेते हैं तो पहला टर्म क्या आएगा एक्स डी एक्स, दूसरा टर्म क्या होगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, तो ये कितने के बराबर, पहला हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एक्स का इंटीग्रल वन या एक्स एक्स होता है प्लस एक कांस्टेंट, ये नहीं कि दो दो इंटीग्रल साइन है तो दो कांस्टेंट होगा, तुम दो कांस्टेंट भी लिखते हो अगर तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज ट्वाइस कांस्टेंट या अनदर कांस्टेंट, कोई दूसरा कांस्टेंट होगा तो एक ही कांस्टेंट सफिशियंट है। नेक्स्ट इंटीग्रल 5 - 6x dx, तुम देखो तो डायरेक्टली लिख सकते हो यानी क्या आंसर आएगा, 5x - 6x² / 2 तो ये 3 बचा प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट इंटीग्रल 3t² + t/2 dt, हमेशा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, यहाँ आप t हो गया ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं तो एक इंटीग्रल होगा 3t² dt प्लस दूसरा इंटीग्रल होगा t/2 dt इक्वल टू 3 times इंटीग्रल t² dt प्लस हाफ इंटीग्रल टी डी टी, ये कितना हो जाएगा 3 × t² का इंटीग्रल t³/3 प्लस हाफ। तो कभी भी दिक्कत हो अगर ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने में तो वो फॉर्मूला इस तरह से लिख लिया करो, 1 + 1 / 1 + 1 + कांस्टेंट और फिर फाइनल एक्सप्रेशन, तो ये tq हो गया प्लस 1/4 t² + कांस्टेंट और वेरीफाई कर लो अपने आंसर को, इसको डिफरेंशिएट करो देखो क्या आता है, यू विल गेट सेम थिंग डन। कुछ और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ -2cos t dt, इसको ऐसा लिख सकते हो -2 इंटीग्रल साइन के बाहर cos t dt, तो कॉस का इंटीग्रल है ना कि डेरिवेटिव, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा साइन, तो यह है -2 sin t + कांस्टेंट, ठीक है। कॉस को डिफरेंशिएट करते तब माइनस साइन होता, लेकिन कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो प्लस साइन होगा, तो -2 एज इट इज, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो, साइन का डेरिवेटिव तो प्लस ही होता है ना, तो क्या आएगा -2cos t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट इसे अगर मान लो ये होता -5 sin t dt, तो -5 integral of sin t dt, ना इंटीग्रल ऑफ साइन इज -cos, तो ये होता -5 × -cos t + कांस्टेंट, तो कितना हो जाता 5 cos t + कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करके देख लो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा यानी तो एक माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल 3 cos
थीटा डी थीटा। नाउ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन देखो अब क्या हो गया, इट इज थीटा और नॉट, क्या इंटीग्रल होगा? 3 sin थीटा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। मान लो अगर ये होता सेक स्क्वायर एक्स बाय 3 dx, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? टेन एक्स प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट याद करो क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, अगर सपोज एक फंक्शन है इंटीग्रेट करने को 2/5 sec थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, तो ये हो गया 2/5 इंटीग्रल ऑफ sec थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, तो ये क्या होगा? 2/5 sec थीटा टैन थीटा इंटीग्रल इज सेक थीटा प्लस कांस्टेंट, क्योंकि अगर सेक थीटा को तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो इस तरह से तुम बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे, लेकिन ये सारा कौन सा केस है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब ये फिजिक्स में यूज़ में आएगा तो फंक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना जो नॉलेज है तुम्हारा ये मोर देन सफिशियंट है फिजिक्स के क्वेश्चन को समझने के लिए। बट ऑफ कोर्स जब इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, और इसके लिए तुमको क्या जानना होगा, कहाँ सावधानी बरतनी होगी, वो पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।